गाइस, जो फाइनली मेरे यूट्यूब में दिक्कत थी वो ठीक हो चुकी है और शाम को मैं इसी खुशी में थोड़ा बाहर निकला हूँ। बस सोच रहा था ऐसे थोड़ी देर बाहर निकलूँ और कल मैं वीडियो शूट करने वाला हूँ और मिलते हैं कल फिर। तो हाय गाइस, मेरा नाम अरुण है और आप देख रहे हैं 6 फीट यूट्यूब चैनल। तो कल जरूर डाल लो। हाँ तो गाइस, आज हम पार्क में एक्सरसाइज करने वाले हैं और हम फुल बॉडी वर्कआउट करेंगे और सिर्फ 20 दिन रह गए हैं ट्रांसफॉर्मेशन पूरी करने के लिए। तो वर्कआउट जोरों शोरों से करेंगे, जोरों और शोरों दोनों से। और अब आपको मैं ये भी बताऊंगा कि मैं कौन से सप्लीमेंट यूज़ कर रहा हूँ और क्या क्या मैंने प्रोडक्ट्स फैट लॉस के लिए अपनी जर्नी में यूज़ किए हैं आफ्टर 2-3 मंथ्स, क्योंकि 2-3 मंथ्स में बिल्कुल ही नॉर्मल वर्कआउट करा है वे प्रोटीन के साथ, वे आइसोलेट प्रोटीन के साथ। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या क्या एडिशनल प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं और वो फैट लॉस में कैसे आपको हेल्प कर सकता है। तो चलिए अभी फ़िलहाल वर्कआउट करने चलते हैं, सुबह के 5:30 बज चुके हैं और आइए मिलते हैं पार्क में। और तेज मार ले गाड़ी की, मां मैंने कर दिया पागल आदमी। तो गाइस, आज हम पार्क में आए हैं एक्सरसाइज करने, आज हम फुल बॉडी वर्कआउट करेंगे। ये गधा भी हमारे साथ वर्कआउट करेगा। यस, ये गधा वर्कआउट करने वाला है तो काफी मजा आएगा। आई एम नील रैपर, चल ठीक है, बस गाइस वर्कआउट स्टार्ट करने वाले हैं हम, फुल बॉडी वर्कआउट रहेगा। तो उससे पहले आज मैं अपना वेट चेक करने वाला हूँ कि मेरा वेट कितना हुआ है। तो आइए देखते हैं वेट कितना हुआ है। ये टिकटॉकर वाले शूज को इग्नोर। तो भाई कितना हुआ है तुम्हारा? 78.25 गाइस, 78.25। तो गाइस 78.25 हो गया, अब इससे कम मैं वेट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि अगर इसे वेट गया तो मेरा मसल लॉस होने लग जाएगा। तो इसलिए मसल लॉस हमें नहीं करना है, यही हमारा गोल है। तो गाइज हम वर्कआउट स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहले वर्कआउट हम स्टार्ट करेंगे पुशअप से। और मैं आपको इसमें बता दूं कि आपको जो ब्रीदिंग पैटर्न है कैसे रखना है। जब भी आप इनिशियल पोजीशन में होंगे तो आप इनहेल करेंगे और जब आप फाइनल पोजीशन में रीच कर जाएंगे तो आप एक्सहेल करेंगे। एक्सहेल करना है आपको, उससे आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है बहुत अच्छा रहेगा और आपको एक्सरसाइज में भी हेल्प मिलेगी। तो आइए सबसे पहले वर्कआउट स्टार्ट करते हैं और हम स्टार्ट करने वाले हैं पुशअप से। तो इसमें हम सर्किट में चलाएंगे, तो पहला जो होगा हमारा होगा पुशअप्स होगा, मीडियम विड्थ रखेंगे शोल्डर की विड्थ में। तो आइए देखते हैं, मैक्सिमम आपको रखने एक ही, आपको देखना है कि आप फेलियर क्या करते हैं या फिर एक ही सेट में आप कितने मैक्सिमम पुशअप्स कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रेस्ट लेंगे, उसके बाद हम करेंगे चिनअप्स, पुलअप्स करेंगे हम। तो अभी हम 15 सेकंड्स का रेस्ट लेने वाले हैं। तो जब आप पहला सेट करेंगे उसमें आपको फेलियर करना है, क्योंकि बॉडी वेट एक्सरसाइज है तो आपको इंटेंसिटी कैसे बढ़ानी है, रेपिटेशन से बढ़ाइए, नहीं तो आप जल्दी जल्दी वर्कआउट कीजिए, जो इंटरवल है आपका रेस्ट पीरियड वो कम रखिए। तो 15 सेकंड्स हो चुके हैं, सेम आपको नॉर्मल पकड़ना है अपने शोल्डर के उससे बिट से और स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको सिर्फ 10 रैप लेने हैं क्योंकि आप इसमें 100% बॉडी वेट को पुल करने वाले हैं।
अब फिर आप 15 सेकंड्स का रेस्ट करने वाले हैं। अब इसमें हम करेंगे अब लोअर बॉडी की एक्सरसाइज, जिसमें या तो आप लंजेस कर सकते हैं या स्क्वाट्स कर सकते हैं, तो मैं दोनों करने वाला हूँ। तो अब हम स्क्वाट्स करेंगे, फ्री स्क्वाट्स करेंगे। इसमें मैंने 20 करी है। इसके बाद हम लंजेस करेंगे। लंजेस आप 15 कर सकते हैं या 10 कर सकते हैं। पोस्चर आपको हमेशा अपना सीधा रखना है। जब आप नीचे जाएंगे तो आपको अपनी कमर को ना आगे करना ना पीछे, एकदम स्ट्रेट रखेंगे। अब दूसरे लेग से भी करना है। थोड़ा बैलेंस मुश्किल हो सकता है, जैसे मेरा हो रहा है, बट कोई नहीं। अब जो हमारा लास्ट रहेगा, इसमें हम करेंगे जंपिंग जैक्स। काफ़ी ये जो सर्किट जो होने वाला है, ये काफ़ी टैक्सिंग रहेगा, क्योंकि इसमें आपका स्टैमिना, आपकी पावर, सब कुछ यूटिलाइज होने वाली है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जंपिंग जैक्स। आखिरी में हम करेंगे एब्स। तो फिलहाल ये पहला सर्किट है, आप इसी को ही कंटिन्यू कीजिए। जितने रैप कर सकते हैं आप कीजिए, सर्किट के 1, 2, 3 सेट आप जितने कर सकते करिए, और रेपिटेशन ऐसे ही रखिएगा, ब्रीदिंग पैटर्न सही रखिएगा। और जब आपके ये सर्किट कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद अपने एब्स को टारगेट कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा कैसे। तो जैसे ही आपके सर्किट कंप्लीट हो जाएंगे, यानी आपने मैक्सिमम रेप कर लिए, मैक्सिमम सेट्स कर लिए हैं, पुशअप्स, पुलअप्स, लंजेस, स्क्वाट्स, जंपिंग जैक्स, ये जब आपका एक सर्किट कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद ये आपका एक सेट होगा। और आपने अगर ऐसे 3 या 4 कर लिए, जितनी आपकी कैपेसिटी है, और आपने कर लिए, उसके बाद आपको टारगेट करना है अपनी एब्स को। तो एब्स में हम सबसे पहले करेंगे क्रंचेस, लेकिन क्रंचेस में हम कोई चिटिंग नहीं करने वाले हैं, फुल रेंज ऑफ मोशन रखेंगे, और अपने हाथ हमें ऐसे रखने हैं। ऐसे हो सकते हैं, ऐसे रह सकते हैं, और लेकिन आपको अपने हाथों को आगे नहीं लाना है। तो देखते हैं कितने मैक्सिमम मैं कर पाता हूँ। वैसे मेरे को हर्निएटेड डिस्क है, तो लगता नहीं मैं ज़्यादा कर पाऊँगा। या तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं ऐसे पैर पकड़ने में, नहीं तो ऐसे कोई सपोर्ट ले लीजिए घर में। हाथ आपको यूँ रखने हैं, ये आपका मोशन चलेगा। ऊपर आते हुए आपको एक्सहेल करना है। पता नहीं कितने हुए हैं। 15 सेकंड्स का रेस्ट लीजिए।
15 से ऊपर हो गया। अब आपको अपने हाथों को ऐसे रखना है, दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा, ठीक है, और 1 2 3 4 5 यही आपको एब्स में करना है, ये आपकी लोअर एब्स को टारगेट करेगा। तो ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है लोअर एब्स के लिए, और अपर एब्स के लिए मैंने आपको बताया है कि आपको क्रंचेस करने हैं। लेकिन जब आप फुल रेंज ऑफ मोशन में आते हैं और अपने हाथ पीछे करते हैं ये, तो आपके ओवरऑल स्टमक को टारगेट करता है। ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, तो आपको यही फॉलो करना है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और उम्मीद करता हूँ मेरा यूट्यूब में कोई एरर नहीं आएगा और वीडियोस आती रहेंगी, और आप वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। तो यही था आज की वीडियो में।